ये सब छोटे दराज में था। किचन के शेल्फ जो होते हैं उसमें बहुत चीजें रखनी पड़ती हैं। कैंडल्स वो है ना काली वाली, उनको साफ करके तो फिर रखना। ये क्या सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे हमारी फ्लाइट है कतर। हम पहुंच गए शगुफ्ता भाभी के घर पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी यहाँ आई हूँ एक्सप्रेस के शो के लिए। बस कर ये शो का नाम है और उसमें मेरी शूट होगी। तैयार होके मैंने वापस जाना है। आज किचन के काम वाले नहीं आए हैं, दिमाग ख़राब हुआ हुआ है मेरा। मैं बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई हूँ कि वाई जब बिल्कुल ख़त्म पे है काम और मुझे ऑलरेडी इतनी टेंशन हो रही है कि दिन कम है और जाने से पहले मुझे सेट करना है, तो वो मेरे आने तक तो नहीं पहुँचे थे 2 बजे तक। आई डोंट नो, अब मैं राहिब को फ़ोन करके पूछती हूँ। तो मैं यहाँ से कोई 1.5 घंटे तक फ्री होंगी, फिर घर जाती हूँ और देखती हूँ। अब मेरे ये दिन जो हैं ये बस टक 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 अपने काम जो हैं उन्हीं को टिक करने में निकलेंगे। जॉब डन। तो मेरा जो एजेंडा है वो काफ़ी बड़ा है और लिस्ट बहुत लंबी है, तो होपफुली दे विल बी डन। तो लेट मी गो होम एंड शो यू द किचन इज़ अ बिगर मेस नाउ, क्योंकि जो मेरा छोटा किचन है उसके भी ऊपर से नीचे से सारी चीज़ें निकाल के मैं कुलसुम और फौजिया को कह के आई हूँ कि बस आप लोग ये ब्लोअर से डस्ट वगैरह झाड़ना शुरू करें और अंदर से खाने साफ करें। उसके बाद उसमें हमने एंटी कॉकरोच पाउडर जो मैं बनाती हूँ वो बना के वो डालना है और फिर चीज़ें रखनी शुरू करनी है। आज का दिन इतना क्रेज़ी था कि लंच ब्रेक में मैं चली गई डॉलमेन। मैंने कहा कि वो वहाँ ले जाने के लिए जो कपड़े शपड़े लेने हैं वो ले लूँ। नबीहा ईमान का एक सूट चेंज कराना था वो, और हया के लिए चाय के डब्बे लेने थे वो। करा के रास्ते में मैं लंच करती हुई आई हूँ। डिफेंस की पूरी सड़कें इतनी ख़राब हैं, सब कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुद ही हुई हैं, काम हो रहा है। ऑल्टरनेट रास्ते ले लेके इतना लंबा हो गया रास्ता। तो बस फिर दर्जी को भी मैंने यहीं बुलवाया, अब इसी तरह जाने में दिन कम रह गए हैं तो काम ऐसे ही मैनेज करना है। तो ये सब करा के अभी मैं आई हूँ। 3-4 सीन्स और कराए हैं। अभी मेरा थोड़ा ब्रेक था तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ गेट पे अरशद का। वो कुछ कपड़े ऑल्टर कराने हैं और मोती टूटे हुए वो लगवाने। मैंने बता दिया था इस कलर के सुई धागा ले आना, और मेरी नज़र पड़ी है सामने ये काम पका हुआ है। अब मैं क्या करूँ। अरे किसी बच्चे से कहती हूँ जाके पूछ के तोड़ के लाओ, ये सही करना पड़ेगा अब तो। बस जी अब तो 2 दिन रह गए हैं हमारे जाने में, कोई टाइम ही नहीं है। सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे हमारी फ़्लाइट है और जो वहाँ रात को 8 बजे पहुँचेगी। और बस कोई टाइम नहीं रह गया और काम बहुत सारे हैं जो निपटाने। बहुत दिन बाद मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। शूट से निकली, एक दो काम किए। अलफता से मुझे वो प्रेशर कुकर चेंज कराना था जो मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस था और वो इतना महंगा था, तो वो करा के आज मेरी भाभी ने और भाई ने दावत रखी है, गज़ाला भाभी असलम भाई की और हमारी। उन लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग जाएं और खाने को बिल्कुल वेट नहीं कराना, जैसे ही सारे लोग पूरे हो जाएँ आप लोग खाना शुरू कर दें। तो बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ। अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अरसे बाद जा रही हूँ। मम्मी अबू के याद आएगी। केक है इसमें रेडी, बहुत ये मामा को खिलाओ ना पहले। नहीं डैडी को खिलाओ पहले, कोई भी खा ले। वेरी गुड, मुझे पता था करी पाइनएप्पल भी लाइक। आई लाइक दिस केक, मुझे वो दो ब्राह्मण कोरमा, मुझे भी के पाइनएप्पल पुलाव और कोरमे में पार्टी पॉपर्स। ओए इधर आ मेरे भी। थैंक्स टू माय ब्रदर फॉर दैट। ये कारनामा इनका है, ये भी कारनामा सारा इनका है। पार्टी पॉपर इनको पॉप करने की बहुत जल्दी थी। सर पे मेरे सर पे भी है। की हाल है भाई जान, तुसी भी बर्थडे बॉय ही हो वैसे।
उनकी 1 जून को थी ना बर्थडे। चलो भाई मॉनी रोड का क्या है? मॉनी रोड का तो बहुत ऊंची पाए दिख रहा है लगा था कल लगा था पाए ये यार नबी क्या हुआ सैड नहीं सैड नहीं इसको जोड़ा है ये इसकी रॉड्स थी तीन एक इधर खाने वाले देख क्या रह गए है ना कौन पर आज बहुत काम है। अभी मैं और याया हमें जाना था कहीं एक मीटिंग थी वहाँ से होके आए हैं और किचन का काम ज़ोरों पे शुरू है। ऊपर से हमारे जाने के लिए सबने दावतें भी रखी हुई हैं। परसों गज़ाला भाभी के घर पे दावत थी, कल मेरे भाई के घर पे दावत थी, आशा गुप्ता भाभी ने दावत रखी है। तो बस उससे पहले पहले काम निपटाना है। कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात, आई थिंक कल तो मैं सो भी नहीं सकूँगी, तो ये सब काम होंगे। तो अभी मैंने चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी मैं वो जो मेरी रिवॉल्विंग ट्रेस थी, कल मेरा दिमाग पूरा दिन चल रहा होता है ऐसे ही, तो कल रात में मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने अपने साइड टेबल्स देखे, मैंने कहा ये लैंप्स भी बनने वाले हैं, इनके वो जो स्विचेस हैं वो थोड़े ख़राब हैं, एक का स्विच नहीं है। तो मैं और राहिब जा रहे हैं अभी कुछ लाइटें लेनी है, ये काम करना है, दराज के अंदर की लेमिनेशन शीट लेनी है, वो सारे काम करके तो अभी आते हैं। जब तक चीज़ों को मैं वो जो रिवॉल्विंग थी दो ट्रेज का सेट था वो मैं एक याया के साइड टेबल पे एक अपने साइड टेबल पे रखूँगी, बिकॉज उनकी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, मेरी साइड टेबल पे भी चीज़ें होती हैं, तो वो एक मतलब सिमट जाएंगी चीज़ें और अच्छा भी लगेगा। सो उसका यूज़ मैंने ये सोचा, तो किचन और डाइनिंग कहीं पर भी यूज़ नहीं होगी, वो हमारे कमरे में यूज़ होगी। इसकी बात कर रही हूँ, ये एक याया के साइड टेबल और ये छोटी वाली मेरे साइड टेबल। इसको इस तरफ रखना और उस टोकरी को उस तरफ रखना। इसमें से भी काम की चीज़ें रखो और बाकी जो कैंडल्स वो है ना काली वाली उनको साफ करके तो फिर रखना। ये क्या दिखाओ? हाँ ये अगरबत्ती है, एक निकाल के दो मुझे, उल्टा करो इसे। तो लंबी है तो राहिब ये तार पीछे क्लिप कराओ इसकी, ताकि इधर पतीले वतीले आए तो सही, मिट्टी ना हो कुलसों कुछ, मिट्टी का साफ सुथरा की है। हाँ बस ये नीचे भी दूसरा लगा दो बराबर का काट, दोनों बराबर ही है। हाँ सही पूरा आ गया। हाँ चलो सही है। मैं और राहिब आए हैं इधर जौहर चौरंगी, लाइटें लेने, बल्ब लेने, लैंप ठीक कराने, पेपर लिया है दराजों के कैबिनेट्स के अंदर चिपकाने का, ताकि फिर सफाई में आसानी हो, मिट्टी विट्टी ना जमे। के पैसे पे ये टोकरियाँ मैंने ली हैं जी दराजों में, किचन के शेल्फ जो होते हैं उसमें बहुत चीज़ें रखनी पड़ती हैं, एक एक निकालो छोटी छोटी चीज़ें। थोड़ा स्क्रैची आ गई है बट इट्स ओके। ये ली है उनमें रखने के लिए, पोछे की बाल्टियाँ ली हैं और एक छोटी ली है। Thank you.
इसको फिर ऊपर रख दो। चलो मैं ये अंकल को शेक दे के आ रही हूँ। ये ट्रेज ऊपर से निकाली है ना जो, उनको ऐसे ही रखो, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे। सबके लिए बनाती हूँ शेक। जनाब डेड टायर्ड, चीज़ों को लगाने का काम शुरू हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा है और काफ़ी हद तक वो जो वॉलपेपर मैंने लिया था वो नीचे लगा दिया खानों में, ताकि वो वाटरप्रूफ है, उसकी सफाई आसान होती है। तो अब ये वो किचन रोल और उसकी चीज़ें लग रही हैं, जिसमें किचन रोल फॉयल और क्लिंग फिल्म लगेगी, क्योंकि पुराने वाला ख़राब था, उसी की जगह पे नया लगवा रही हूँ। जिन जिन के ढक्कन हैं सिर्फ वो रखना, नहीं ढक्कन उतारो ना, ढक्कन छोटे इस साइड पे रखो, बड़ों के उस साइड पे रखो, छोटे डब्बे इधर सेट करो एक दूसरे के अंदर डाल के, बड़े उधर रखो, और जिस जिस डब्बे के, जैसे पांच डब्बे इधर रखे, पांच ढक्कन इधर रखो, पांच इधर पांच उधर, इस तरह। ये इसके अंदर आएगा अब्दुल गनी, ये इसके अंदर रखा जाएगा, फिर ये वापस बंद होगा, और एक इधर मैंने वो प्लास्टिक वाला रखा था, वो खाए गोल ऐसे ही रोल था। फौजिया वापस तो नहीं रख दिया? डब्बा नहीं, ये इस तरह का रोल प्लास्टिक का। ये इसको इसके अंदर से निकालना है, इसको इसको भी काटे, सही, थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ना। हाँ तो ये कीलो के साथ लगेगा, स्क्रू के साथ, और इसके नीचे ये भी तो आएगा, वो पता नहीं कहाँ अंदर आएगा, क्या इसके अंदर लगेगा क्या लगेगा। हाँ ये जो है ना, ये अंदर, ये इसके इधर आएंगे पार्टीशन, नहीं 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 ऐसे नहीं, अब इसको इसमें फंसाना पड़ेगा। लग गया, दिखाओ ये बाकी है ना। हाँ ये इसके जो है ना वो तो फंसा है अंदर। हाँ दिया ना, नहीं ये तो फंस गया, निकालें इसे बाहर। अच्छा इसके ये जो है ना, ये भी इसके अंदर आएंगे सारे। ये तो से, हाँ ये तो खैर से डब्बा, ये तो ढक्कन है ना। हाँ ढक्कन ऊपर आएगा, ये उल्टा होगा दूसरी साइड करके देख। हाँ जगह कम में थोड़ा सा, ये ये मैंने ट्रेस के लिए एक पार्टीशन बनवाई है, लेकिन अभी इसमें बहुत सी डिशेज विशेज सब रखी हैं समेटने की नीयत से, और इसका हाँ ये नीचे रखते हैं इसको दराज। और क्या था ये भी, वो मीठे का इधर रखो ना, जहाँ प्याले रखे हैं नीचे के, ये प्याला उधर रखो, ये सब छोटे दराज में था। हाँ। ये तो उसकी है मशीन की चीज़ें, ये भी इसमें रखी हुई हैं। हाँ। क्यों
ये दोरी डंडे का डंडा है, उसमें दोरी के साथ रखना। ये सब धुलेंगे। ये मशीन साफ करने वाला ब्रश है, इतना ज़बरदस्त, इससे तुम इतनी चीज़ें साफ कर सकती हो। और इसको फिर धो के भी रखना। ये टोंग है, ये वो कबाब कटर, ये स्कूपर खरबूजा वगैरह निकालने के लिए। ये चम्मच चमचों में रखो, धो के उसमें ना रखो, ये इधर पकाते हैं जहाँ पे वहाँ रखो। ये चलता है नहीं चलता, ये आइसक्रीम वाला। ये छुरियाँ उसमें रखो, अब तो जगह है पीछे छुरियों। ये भी आम रखो हैंडी। ये देखो ये नई वो पड़ी हुई है, इसको धो के उधर रखो यूज़ में। ये कप की मेजरिंग कप, समझ है घंटे क्या है? हम जब निकालेंगे तो मुझे पकड़ दे। हाँ ऐसे क्या पता चल रहा है चम्मच है या घंटे। बस जी कोई 10 बजे वी आर फिनिशिंग फॉर टुडे। अब बाकी कल इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। अब आई एम डेड टायर्ड एंड वी हैव टू गो टू शगुफ्ता भाभीज़ हाउस फॉर डिनर। उन्होंने मेरे लिए करेले गोश्त बनाए और साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं। मैंने उनसे कहा था लाल आटे की तंदूर की रोटी चाहिए, जो मैं भूल गई कि मैंने ही कहा था मैं घर का आटा ले जा के तंदूर पर लगवा लूँगी। फिर मुझे जब उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा नहीं आज तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत फंसी हुई हूँ, तो आप सबाहत से या इम्तियाज़ भाई से कह दें। तो उन्होंने शायद उन्हें फ़ोन किया तो वो बनवा के लाएंगे। तो बस हम 15 मिनट में निकल रहे हैं, मैं ज़रा मुंह हाथ धो के थोड़ी अपनी हालत ठीक कर लूँ, तो बस कल आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इंशाल्लाह। बस जी मैं इतनी तैयार हो सकी हूँ, कपड़े नहीं चेंज किए बिकॉज देर हो रही थी, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं अब दावत के लिए, करेले गोश्त की। हम पहुंच गए हैं शगुफ्ता भाभी के घर पे। एज यूजुअल मेरे भाई टाइम पे नहीं आए हैं, उनका इंतजार हो रहा है क्योंकि रोटियां उनके पास है, वरना मैं किसी का इंतजार नहीं करती रहती। हमारे ग्रुप में ये उसूल है, खाना लग गया आप शुरू कर, खाने को वेट ना कराए। तो अब मैंने सैलेड से स्टार्ट ले लिया, मैंने कहा जब तक खाना आएगा, आई थिंक आ गए गड्डी का बुआ बंद हो गया। डेली में सर्वे देखता हूं, रोटियां फाड़ के लाई फटाफट वो आंधे में बांट वाली कशर। हां मेरे को तो सी आओ। ये हैं जी मेरी फरमाइश की डिश करेले गोश्त। सलाद तो बहुत ही मज़े का है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑलिव्स, लेमन, सिरका, प्याज, खीरे, टमाटर और पाबी बहुत आला, कीमा भी आउट क्लास और करेले भी। आ जा दिया सेलियां आई हैं सर। बेटा मैंने आप मान जैसे बताने मैंने कहा नाम लिया। भैया अब इनके चुटकुले शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे मुझे लगी है भूख। और इतने कोई आला खानदानी करेले गोश्त बना है, किस्मत में करेले ही रह गए हम। चुप कर जाओ, तुम्हारी वजह से इस वक्त खाना खा रहे हैं, कब से मैं प्लेट में सलाद खाती जा रही हूँ। यार मेरा कसूर ये था के बाद मैं देई देई खाई मेरा कसूर भेजन आज तो तुसी भाभी दे हाथ चुमने ने। अच्छा ठीक चलो मामू सो गया। चले जी महफिल बर्खास्त हो रही, अब हम जा रहे हैं घर कोई 12 साढ़े 12 बजे।
बल्कि 1 बजे। और ये मेरे करेले, करेले गोश्त नाश्ते के लिए, नाश्ते का सामान भी। तो बस करेला डे जाने से पहले पूरी अपनी अपना शौक पूरा करूंगी करेले गोश्त का।